हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुपमा ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं लॉन्ग कुर्ती विद शोल्डर कट स्लीव्स। मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है, ये 1.5 मीटर फैब्रिक है। इससे हम कुर्ती तैयार करेंगे। इसे हम फोल्ड करके रख लेते हैं। ये 4 फोल्ड है। अब इसकी हम नाप लेना शुरू करेंगे। हम बोट नेक गला बनाएंगे, तो नेक हम 4.5 इंच रखेंगे। नेक होल 3.5 इंच। शोल्डर 3 इंच। आर्म होल 6 इंच। चेस्ट 8.5 इंच। यहाँ से हम सीधा 15 लेंगे, उस पर टिक कर देते हैं। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम 8 इंच पर टिक कर लेंगे। यहाँ से हम अंदर साइड में 1.5 इंच अंदर हम लेंगे। यहाँ से हम कोने पे मिला देते हैं। हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। ये मेरा फिटिंग का टिक था। हम कटिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखते हैं। आर्म होल पर हम टिक कर लेंगे, राउंड सा शेप देंगे। वैसे राउंड से शेप देते हैं। नेक पर भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे बोट का शेप देते हुए। मेरा कुर्ती 42 इंच पे रेडी होगा, तैयार होगा। मेरी लंबाई कुर्ती की 42 इंच है। आप नीचे जितना तीरा रखना चाहते हैं अपने हिसाब से रख लेंगे। हम 9 इंच पर रखे हैं। हम ऊपर लाके मिला देंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। हम ऊपर वाले टिक पर कटिंग करते हैं। यहाँ से हम अलग कर लेंगे ज्वाइंट कपड़ा। के कुर्ती कट के रेडी है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये डबल फोल्ड है, इसे 4 फोल्ड करके रख लेंगे। हम पौन आस्तीन बनाएंगे। आस्तीन की लंबाई 15 इंच है। हम 15 इंच रखेंगे। इसकी चौड़ाई 9 इंच। हम कट कर लेंगे। कट करके से निकाल लेंगे। हम नीचे से
ट्विंस अंदर की तरफ लेते हैं, लाके हम कोने पे मिला देंगे। अब इसके हम कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आस्तीन कट के रेडी है। अब हम नेक की पट्टी काटेंगे। हम डबल फोल्ड करके रखे हैं, ऊपर से हम कुर्ती को रख के बराबर में रख लेते हैं। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे हम पीछे साइड का भी पट्टी काट के निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पट्टी कट के रेडी है। अब हम सिलना स्टार्ट करेंगे। हम पट्टी को ऐसे रखते हैं बराबर, इस पर हम सिलाई कर लेंगे। बीच में हम छोटा छोटा कट लगा लेते हैं, इसके फोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और हम शोल्डर भी रेडी कर लेंगे, इसको हम सिल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक रेडी है दोनों साइड का, और हम शोल्डर भी अटैच कर लिए हैं। ये मेरा स्लीव्स है। हम शोल्डर कट बना रहे हैं, तो हम 2.5 इंच पे टिक किए हैं। इसकी लंबाई इस साइड में भी 2.5 इंच होगा। अब राउंड से शेप देंगे। हम इसे कटिंग कर लेंगे। देखिए कट चुका है। अब इस पे हम पाइपिंग बनाते हैं। हम शोल्डर पे पाइपिंग बना लेंगे। हम 6 इंच की पट्टी लेते हैं, उसे हम पाइपिंग बना लेते हैं। दोनों साइड में हम पाइपिंग बना लेंगे। दो पट्टी है, ये देखिए। पट्टी बनाने के बाद हम ऐसे रख के चिपका लेते हैं उस पर, और इस पर भी हम पाइपिंग बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हम पट्टी कटिंग करके रखे हैं। सारे पट्टी को हम एक ही में अटैच कर लेते हैं। हम ऐसे रख के इस पर सिलाई कर लेंगे। इसे हम पलट देते हैं। ऐसे ही हम सारे पट्टी को जोड़ लेंगे एक ही में। ऐसे हम तैयार कर लेंगे। इसे हम डबल फोल्ड करके इस पर हम पाइपिंग बना लेंगे। ऐसे पलट के पाइपिंग बना लेते हैं। अब ऐसे पाइपिंग बना के हम ऐसे रख के सिल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पाइपिंग बना लिए हैं। देखिए दोनों तरफ, दोनों साइड में हम बना लिए हैं पाइपिंग, और स्लीव्स भी लगा लिए हैं। अब इसकी हम फिटिंग करेंगे। तो हम फिटिंग का टिक लगा लेते हैं। हम 5 इंच पर मोड़ी रखे हैं आस्तीन की। ऐसे 2 इंच कपड़े को छोड़ते हुए हम टिक कर लेंगे। हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों साइड में हम ऐसे ही कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम दोनों साइड में कर लिए हैं। अब इसकी हम सिलाई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिटिंग कर चुके हैं। अब नीचे का हम फोल्ड करके सिल लेंगे। हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करके हम सिलाई चलाते हैं। सबसे पहले हम नीचे का फोल्ड करेंगे।
में से फोल्ड कर लेंगे। फिर हम साइड का फोल्ड करेंगे, वैसे फोल्ड कर लेंगे डबल फोल्ड। दोनों साइड का हम कर लेंगे ऐसे ही। देखिए फ्रेंड्स, हम सिलाई कर लिए हैं। देखिए सिल के रेडी है दोनों साइड में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।